1000 रुपए का है। ओ ड्रोन, ओ माय गॉड, वॉशिंग मशीन। गाइस कल यानी 16 जुलाई को है मयंक का बर्थडे, और यार बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार मैं उसको क्या गिफ्ट दूं। फिर मुझे याद आया मयंक कौशिक को मिस्ट्री बॉक्सेस बहुत पसंद है, और इसीलिए इस बार उसके 23rd बर्थडे पर मैंने उसके लिए ऑर्डर कर दिए 1000 रुपए वाले पूरे 23 मिस्ट्री बॉक्सेस। भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि यार जो गिफ्ट दे रहा है उसे खुद भी नहीं पता क्या कि गिफ्ट क्या है। वैसे मैंने अभी मयंक को बुला लिया है, अब तो जब वो आएगा तभी पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। और हाँ, अगर आप लोगों को भी अपने लिए या फिर किसी को गिफ्ट देने के लिए ये बॉक्सेस मंगवाने हैं तो आप भी ऑर्डर कर सकते हो मीम चैट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हैप्पी बर्थडे। क्या है? हैप्पी बर्थडे। कल है मेरा बर्थडे, अभी मुझे कहीं और जाना था। हाँ तो मैं आज सेलिब्रेट कर रही हूँ, तेरा बर्थडे मना रही हूँ मैं। तू कब से मेरा बर्थडे मनाने लगी? जब से व्यूज आने लगे। इस्तेमाल किया जा रहा है मेरा भाई बर्थडे के लिए। आ जा भाई, इधर आ जा भाई। मैंने ये पूरे तेरे 23rd बर्थडे पे तेरे लिए मंगवाए हैं ये 23 मिस्ट्री बॉक्सेस। इस बार सारे मेरे हैं? इस बार सारे तेरे हैं। ये मैं नहीं मानता, तू छीन लेगी बाद में। ठीक है जा अपने घर जा, जा जब नहीं मानना ना अपने घर जाओ। ये मतलब सारे मिस्ट्री बॉक्स मेरे हैं। अरे कसम से देख लो यार। सो नहीं, ये 23 है, तेरा 23वां बर्थडे है ना भाई। हर बार 100 मंगाती थी, मेरी बर्थडे है तो 23 मंगाती है। मेरे साथ अन्याय हुआ है भाई। हल्के में मत ले, ये अब तक के सबसे एक्सपेंसिव मिस्ट्री बॉक्सेस हैं। एक डब्बा 1000 रुपए का है। मेरी इतनी इज्जत कब सॉरी, तूने मेरे लिए 23000 खर्च कर दिए। करे तो है, तेरे लिए करे हैं। इतना ना मैं नहीं मानता, इतने मिस्ट्री आते तेरे, तूने ज्यादा खर्च कर दिया। कोई जल्दबाजी तो है नहीं कि बड़ा खोलू छोटा खोलू, एक एक करके एकदम चुन चुन के छोटे शुरू करेंगे और सारे खोल के घर ले जाएंगे। बस एक गाड़ी और करा देना घर तक पहुंचाने के लिए। गिफ्ट भी मैं दूं, पैसा भी खर्च मैं करूं, इतनी मेहनत भी मैं करूं और गाड़ी भी मैं करा के दूं अगले को। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो भाई पहला गिफ्ट है, सारे बच्चे ताड़ियां मार दो, 1 2 3 गो। आराम से यार। अरे बहुत अच्छा, तू पीछे रह, झांका झुकी नहीं चलेगा, मेरे है ना। पहले ही डब्बे में मेरे निकले एप्पल के एयर फोर्स, पर लाइटनिंग कनेक्टर वाले यार, वो वाले नहीं है। नहीं चाहिए? अरे मतलब चाहिए तो ऑब्वियसली चाहिए भाई। यार अभी सुनना भी जरूरी है क्या भाई? तेरे पे विश्वास नहीं कर सकता ना, तेरे दिए हुए गिफ्ट है। भलाई का जमाना नहीं रह गया, विश्वास नहीं है इस आदमी को। अरे सॉरी मुझे ये नहीं। हाँ तो पहले से जेब में रखूंगा ना। अगला डब्बा खोलते हैं भाई, छोटे छोटे देखेंगे पहले, छोटों में क्या है। इसमें है अलेक्सा, पर इसमें तो ना डब्बा निकला, ना इसकी वायर निकली, ना चार्जर, जिंदी अलेक्सा पकड़ा दी। अब इसका बाकी आइटम कहाँ है? तेरे वाली अलेक्सा के चार्जर से लगा देखता हूँ। ओ चालू है असली है चार्जर तेरा अलेक्सा। अरे भाई में जो निकलेगा बस वही लेना है भाई। ये मानूंगा नहीं, गिफ्ट में काउंट नहीं करूंगा इसको मैं। नहीं तो, काउंट करेगा वापस कर। नहीं देख लूंगा चार्जर पापा के पास है मेरे। अब छोटा बहुत हो गया, बड़ा गेम खेल। ना मदद करा दूं। कॉफी मेकर है। वो पुराना कॉफी मेकर जो था लंदन से लाए थे पापा, वो खराब हो गया था, तो अब ये सही रहेगा। ये खोलते हैं भाई, बड़ा हैवी लग रहा है भाई। ये देख कितना हैवी है, पकड़ के तेरे करियर से भारी है। तू अनुमान लगा, अगर तेरा अनुमान सही हुआ तो तू ये दे दूंगा। फोन है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और सोच ले थोड़ी देर, मुझे लग रहा है इसमें फोन हो सकता है। देख ले। देख लिया। अगर तेरा अनुमान सही निकला तो तेरा गिफ्ट है। इतना दिलदार हूँ मैं, पहले मेरी तारीफ करके। हाँ तुम बहुत दिलदार। यार ये भयंक बहुत दिलदार है गाइस, बहुत अच्छा आदमी है ये। कुछ तरीका है भीख मांगने का? नुक्कू नुक्कू नुक्कू, ये क्या आइटम भाई? नुक्कू नुक्कू वन प्लस का फोन है। ये कागज फाड़ दिया उसका यार, मेरे फोन का। तूने बोला था कि तू मेरे को देगा यार। किसने बोला ये सब बकवास फोन कर रहा है यहाँ पे? चीटिंग 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 करता है तू भाई। देख के बता तो दे कितने का है भाई, वो तो देखना पड़ेगा ना। ये 19000 रुपए का है। 2000 रुपए ले ली इसके, 1000 का डब्बा मंगाया था ना तूने तो। बड़ा हरामी हो ये, बोलते रहने वीडियो में कि देखो निशु। देखो यार निशु का बहुत बड़ा एहसान है कि आज वो अपनी वीडियो के लिए मेरा फायदा उठा रही है। ये नहीं, और निशु कितनी अच्छी है, देखो मेरे को गिफ्ट दे रही है, लड़कियां भी गिफ्ट देती है, इतने महंगे गिफ्ट दे रही है, इतना पैसा खर्च करा है, ये सब बोल। हां सेम कर दो। तो गाइस अब ये खोलते हैं कालीन भैया वाला। ओ भाई साहब वॉकी टॉकी निकले हैं, ये तो भाई मेरे काम का सामान निकल गया। मेरे किस काम आएगा ये? यार देख हमारा ना घर बहुत बड़ा है, तो जैसे मम्मी उधर गार्डन में होती हैं, मैं किचन में होता हूँ, पापा वॉशरूम में होते हैं, तो एक दूसरे से बात नहीं हो पाती। 1 BHK में तो अब सबके पास अपना अपना वॉकी टॉकी होगा,
तो सब लोग ऐसे पूरे दिन कनेक्टेड तो रह पाएंगे। मम्मी बोलो हेलो मम्मी 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 लिसनिंग हेलो हेलो मम्मी 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 भंडारे में से आ जाओ घर पे खाना बनाएंगे। अब बड़ा खोलते हैं यार, ये छोटी मस्ती में मजा नहीं आ रहा, बड़ी मस्ती चाहता हूँ मैं। कोई इधर आके खोलते हैं, इधर इधर ये वाला वो क्या है? ये है एसर का टीवी। भाई गाइस इसका कंप्यूटर निकला है। कंप्यूटर नहीं होता पूरा। हाँ मेरे को पता है, मैंने पूरा सिस्टम लगवा रखा है, मुझे मत बता। अब मैं तेरे को बता रही हूँ, अगली बार से मैं डलवाऊंगी तेरे लिए ना सीपीयू माउस कीबोर्ड की, तेरे एक तेरा सिस्टम बन जाए एडिट करने के लिए। तुझे बार बार मुंह उठा के मेरे घर ना आना पड़े। तो गाइस अब खोलते हैं ये वाला डब्बा, बस खाली ना निकले यार। एक डब्बा 1000 का है। ये निकले क्रंची फ्लोमिना होट, उर्दू में कुछ लिखा भाई। यही होता है जब कभी महंगी चीज ना देखी हो ना खाई हो ना, तो यही होता है। अमेरिका का कुरकुरा ही है। चलो भाई इसमें तो बेवकूफ बन गया मेरा, बहुत ही गंदा घड़ी है। खुशी तो दिखा यार। खुश हूँ गाइस। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने कोई क्राइम कर दिया और डब्बे मंगवा के। हाँ यार तूने गलत करा, मुझे ऐसी 2-3 आईफोन, एक प्लॉट और एक गाड़ी दे देती, हो जाता मेरा काम। क्या है तू, क्या औकात क्या तेरा? अब हम बड़ा डब्बा खोलेंगे। अरे भाई तो बहुत ही भारी है। गाइस मेरा डब्बा है, मेरा बर्थडे है और हमें मिला है ये। क्या है ये? ये ले देख ले, अमन होता है यार। तूने मुझे लग रहा वही सामान पैक कर दिया पुराने डब्बों में, सारा सामान वही निकल रहा है। ये तो तुझे मिला था? वो नहीं है। अच्छा इसके बारे में तो भुट्टा जला दिया मैंने। और ये तो ये मेरे काम की चीज, पहली चीज ऐसी निकली है जो मेरे बहुत काम की है। मैं हमेशा से चाहता था श्री रामचरितमानस पढूं। भाई इसको बहुत रेस्पेक्ट से रख के आओ। थैंक गॉड कुछ तो पसंद आया इसको, जय श्री राम। और अब देखते हैं और भी चीजें, अब मुझे लग रहा है मेरे काम की निकल सकती हैं। अरे यार ये तो मैंने तेरी वीडियो में जीत ही लिया था पहले। मुझे पता था जब तू जीता था तेरा दोबारा मन किया होगा पीने का, और खत्म होने के बाद तू नहीं खरीद पाएगा, तो मेरे मीम चैट के बॉक्स में ये दोबारा निकल गया। अब मैं ये खोलूंगा, ये मुझे मेरे काम का लग रहा है। ऐसा लग रहा है तूने मेरा ना फोटो फ्रेम कराया होगा इसमें। क्या है ये बाल्टी का, मैं क्या करूँ इसका? मतलब ये शक्ति करने वाली बाल्टी है। अच्छी चीज निकली है पागल, खुश हो। किसी के बर्थडे पे आज तक किसी की गर्लफ्रेंड ने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया। माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बैठ इसके ऊपर, मजा आ रहा है? कंफर्टेबल तो है, कंफर्टेबल है। देख अब मैं तेरे को बताती हूँ, तू रो मत। जो इंग्लिश टॉयलेट होता है वो कितना महंगा आता है, तुम्हारे पास पैसा नहीं इतना लगा। तुझे मीम चैट से मिला है, अब तुम पूरा परिवार सहित इसमें हक सकते हो। और एक और फायदा, इसे साथ के साथ धोकर तुम्हारा यूज कर सकते हो। मैंने इसकी जरूरत की चीज दी है जो एक सच्चा दोस्त दे सकता है। यार बात तो सही है। छोटे बच्चे के हैं? छोटे बच्चे के नहीं है ये, देख कितना सुंदर लग रहा है लगाकर। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। अलैकुम अस्सलाम, सलाम अलैकुम। मत देती गिफ्ट, नहीं देने थे हैं? अगर नहीं देने थे तो गिफ्ट मत देती भाई, नहीं पैसा बन रहा था, बजट नहीं था तो मत देती। तूने अपना बर्थडे के हिसाब से मंगाया क्या? मेरा बर्थडे तो गया, मैं क्यों अपने बर्थडे के हिसाब से? सारा सामान मेरी मम्मी काम का निकल रहा है, मम्मी बस देने से मुझे कोटा करेगी। देखते हैं गाइस इसमें क्या है, बहुत एक्साइटेड हूं। ये तो सांप सा निकला है। इतनी बढ़िया चीज निकली है। क्या है पता है तेरे को? वैक्यूम क्लीनर है। तो तेरी गाड़ी साफ हो जाएगी, तेरे महीने के जो 700 रुपए गाड़ी साफ करवाने में लगता है वो भी बचा करेंगे। सिर्फ एक ही चीज के काम आ सकते है, तेरा मुंह साफ करने के। तो ये मैं तुझे गिफ्ट कर रहा हूँ। यार भगवान अब तो कुछ ऐसा निकले जो मैं अपने शरीर पे ओढ़ सकूँ, शरीर पे पहन सकूँ। ये बढ़िया लग रहा है कुछ, रुक जाना मैं खोलूंगा इसको। ये भाई कपड़े मिल गए फाइनली। वाओ अच्छा लग रहा है बहुत। बर्थडे के लिए मंगाए हैं? हां देखो तू बैठ, अब कल पार्टी में जाएगा ना तो ये पहन के चला जाइयो। ये रेनकोट कौन पार्टी में रेनकोट पहन के आता है? और देखते हैं और क्या अच्छा है। ओह ड्रोन। अब मैं अपनी सारी वीडियो ड्रोन से बनाया करूंगा। वेरी गुड, कितना अच्छा लगेगा। हम तेरे चैनल पर रोटी खाएंगे, ऊपर ड्रोन उड़ रहा होगा और सब्जी ड्रोन से दिखेगी। Very good idea. भाई आधे घंटे मेहनत करने के बाद मैंने ये तो इसका रिमोट तो चालू कर लिया है, पर इसका सिस्टम भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, घर जाके समझूंगा। भाई अब निशु बहुत कलेश मच होने वाला है। ये डब्बे तो मैं भी खोल रहा हूँ क्योंकि कैमरा चल रहा है, खुशी खुशी थोड़ी बहुत दिखा रहा हूँ, इसके बाद में तुझे थोड़ा दिखाऊंगा चलेगा। ये बढ़िया है भाई, ये विदेशों में मिलती है प्राइम। इसमें कोई नॉन वेज तो नहीं है कुछ? हर चीज इसको नॉन वेज दिखती है भाई, जो चीज विदेश से आती है मुझे शक रहता है वो कुछ कर दे। फॉरेनर सिर्फ दिन रात मीठी तो खा रहे हैं। अच्छी है, खट्टी है। ढक लो यार ये, फ्रिज में डाल देना। ओ
माय गॉड, स्पीकर है ये वाला। ये गाइस मैं वैसे भी मंगाने की सोच रहा था और मैंने दे दी, इसने फाइनल में दे दी, क्योंकि मेरा क्या है कि मुझे किसी ने बताया कि तेरी आवाज बहुत अच्छी है, तुझे गाने वाने ट्राई करने चाहिए, तो मुझे लगा कि पहले मैं ये मंगा लूं ताकि इस पे मैं गा के अपने मोहल्ले में माहौल बना सकूं। आप रेडी है मेरा गाना सुनने के लिए? रेडी हो। चलो 1 2 3 गो, से रेडी करता हूं पहले। गाऊं? अरे गा यार। इसने भी बोल दिया लो बैटरी प्लीज चार्ज, ये भी नहीं चाहती कि तू गाए। अगला गिफ्ट खोलता हूं, मैं तो बेइज्जती कर रही है मेरे म्यूजिक। चलो भाई अब खोलते हैं अपना अगला डब। ओ भाई इसमें क्या है? वो मेकअप है। यही तो चाहती है तुम, अभी ये सब करूं जैसे मेरा रंग तो गोरा कर रहे हैं। नहीं वो तो कोई मेकअप नहीं कर सकता। क्या करें अब, जो मिल रहा है फ्री का चुप जेब में रखो, सबको अलग से डाल के बेचूंगा। ये है कुछ भाई परफ्यूम मिल गया बड़े पे। लेडीज मैं कर रही है पार्टी तो मैं करती हूं। हमें भाई जो मिला यार, अभी तो तू बोल रहा था तो मुझे गिफ्ट मिलने ऐसे, अब इनको लेडीज टाइप सामान, तू लेडीज परफ्यूम लगाएगा क्या? अरे पर मैक का कैसे पता चलेगा लेडीज है जेंट्स? अरे आराम से यार। फाइनली कुछ मेरे काम का निकल गया, प्योर मेरे नए अंडरवियर। अरे दिखा तो दे पब्लिक को। पब्लिक को अंडरवियर दिखाऊंगी, पता चलिए दुनिया जानगी कि इसके बाद नीला कच्चा है। अब बचा है मेरा लास्ट डब्बा, सारी उम्मीदें इसी पे टिकी हुई हैं। हो सकता है इस डब्बे के अंदर और 20-30 गिफ्ट हों। वॉशिंग मशीन विद एयर ड्रायर। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे बर्थडे मन रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दहेज मिल रहा हो। हाँ तो हमें पता है ना, तेरे जैसे को तो कोई देगी नहीं, तेरी दोस्त तेरी मदद कर रही है। ये सब मैं अब ओलेक्स से बेचूंगा और कम से कम 80-90 हजार का बिकेगा, और 80-90 हजार का सारा आइटम बेच के मिलूंगा जोड़े जूता। सारे डब्बे खत्म हो गए तो वीडियो को भी यही खत्म करते हैं। इस वीडियो पे करवा देना पूरे 1 लाख लाइक, वो हमारा बनता है। और इसके लिए हैप्पी बर्थडे मयंक लिख देना कॉमेंट में, सब्सक्राइब करो आप।